नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम भाजपा हेडक्वार्टर में हैं। बड़ी मुश्किल से सर को हम देखे हैं तो पकड़ लिए सतपाल शर्मा जी को, पूर्व विधायक रह चुके हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। सर शर्मा जी, जनता के काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जनता ने आपको भी वोट किया था, अब फिर से कहीं ना कहीं इलेक्शन की सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, फिर से आपने जनता के पास जाना होगा, पर कभी आप जनता के साथ खड़े हमने देखा नहीं। कोई भी मुद्दा हो आप वहाँ पहुँचते नहीं हैं, का मुद्दा हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, चाहे प्रीपेड मीटर्स की, खैर उस पर तो अभी फिलहाल विधायल डू से रखा गया है। जिस तरह से जनता ने आपका विश्वास किया, काफ़ी सारे सवाल भी आप लोगों पर उठे हैं। जिन 25 विधायकों को जनता ने वोट दिया, आज वो कहीं नहीं दिखते जनता के साथ, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और मुबारकबाद महाराजा अधिराज हरि सिंह जी के जन्मदिन की। आपको भी सर। बहुत अच्छा ये लगा कि महाराजा अधिराज हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर ही आपने कहा कि विधायक दिखते नहीं, लेकिन कभी आपने वोटर्स से पूछने की कोशिश की, जो हमारे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं या आम जनता है, या पिछला अगर आप लोग अपना ही टीवी या बाकी जो लाइव मीडिया है या अखबारों के माध्यम से आप लोगों के ध्यान में आता होगा कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो काम कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से संडे को छोड़कर 6 दिन यहाँ पर लीडर्स बैठते हैं, मुझे भी एक दिन बैठने का मौका मिलता है, और दरबार में आम जनता जो है वहाँ पर आती है। इसके बारे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग मिलते नहीं या हम लोग दिखते नहीं? ये हम आप व्यक्तिगत, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है। मैं आपको 10 वीडियोज आप तक ला के दूंगी जिसमें जनता कह रही है कहाँ है वो 25 विधायक, ये हमारा सवाल नहीं है। हमने जब भी आपके सामने माइक रखा होगा, हम जनता का सवाल करेंगे, अपना नहीं। रश्मि जी, एक बड़ी दीवार के ऊपर, सफ़ेद दीवार के ऊपर एक छोटा सा काला बिंदु था, 1000 लोगों से पूछा गया तो 990 लोगों ने उस बिंदु के बारे में बात की, 10 लोगों ने मात्र उस दीवार के ऊपर जो सफ़ेदी, अच्छी खूबसूरत सफ़ेदी की गई थी उसके बारे में जो थी वो बात की। जो आप लोगों के पास आते हैं वो कोई बड़ी ज़्यादा संख्या में लोग नहीं है जो आप लोगों के बात करते हैं। पीछे आप देखिए ना, 1,62,000 जिस वक्त मैंने चुनाव लड़ा, ये ठीक है मैंने 71,000 वोट लिए, लगभग 98,000 में से 75% वोट मैंने लिए, 75% लोगों को क्या आपने पूछा? दो लोग तो खड़े होकर आपके विरुद्ध भी बोल देंगे, दो लोग खड़े होकर तो इनके विरुद्ध भी बोल देंगे, लेकिन जब जो लोग चुप हैं क्या आप उनके बारे में नहीं सोचते? मतलब देखिए मतलब आपका कहने का मतलब जो लोग आपके फेवर में, हम उनसे जाके पूछे? मैंने ये नहीं कहा, घर घर जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा बहन जी, शर्मा जी, जहाँ में जनता बुलाएगी हम जाएंगे, चाहे आप भी बुलाएंगे तब भी आएंगे। रश्मि जी, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा जो लोग चुप हैं इसका मतलब है कि दे आर सेटिस्फाइड। चुनावों का दिन है, सरगर्मियाँ उन लोगों ने जिन्होंने 70 वर्ष कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपना दिखाने के लिए कुछ बोलना है आज, वो कहेंगे। अगर आज भी नहीं बोलेंगे तो जनता उनको बोलेगी कि पूरे 70 वर्ष भी सोए रहे और आज चुनावों के दिनों में भी जागे हैं, और ये चुनावों के दिनों में ही जागते हैं। ये सरगर्मी जो होती है, सुगबाहट जो होती है इन लोगों की, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और ऐसे दल जिन्होंने 70 वर्ष इस जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, ये राजनीति के ना, हम राजनीतियों के बारे में बात नहीं, राजनीति पार्टियों के बारे में नहीं बात करी, हम ये कह रहे हैं जिन्होंने, जनता ने, जिस जनता ने आप पर विश्वास जताया। मैंने यही कहा पार्टियों को तो काम है एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हम उनकी बात नहीं करें, चलता रहेगा। रश्मि जी, मैंने सत्ता में चलता रहेगा। रश्मि जी, मैंने वही कहा कि जो लोग इन दिनों में एक्टिव हैं, जो विरुद्ध बोलने के लिए एक्टिव हैं, एक्टिव किसने किया सर? मैंने कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने स्मार्ट मीटर्स ने एक्टिव किया, प्रॉपर्टी टैक्स ने एक्टिव किया। स्मार्ट मीटर्स के ऊपर कोई एक्टिव नहीं था, जिस विषय को लेकर हमने भी एलजी साहब से बात की थी वो प्रीपेड प्लाजा को लेकर एक्टिव हुए, प्रीपेड को लेकर, मीटर्स को लेकर जो थे वो एक्टिव हुए, और प्रीपेड के विषय में हमने भी बात की और इसके बारे में एलजी साहब ने माना कि हम लोग प्रीपेड मीटर कर दिया गया, प्रीपेड मीटर हम भी नहीं होने देना चाहते और ना ही होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सेटअप ऐसा नहीं बन पाया है, और यहाँ तक स्मार्ट मीटर का प्रश्न है, 1-2% में कहीं हो सकता कमी हो रही भी होगी, और उस कमी को भी जो है वो पूर्ण किया गया। हमारे पास भी लोग आते हैं, उनका समाधान करना जो हम लोग कर भी रहे हैं, और आपके माध्यम से भी आगे लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे इसके समाधान। बड़ा इशू बना स्टोर सरो टोल प्लाजा का, ये भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने एक समय में उखाड़ के फेंक दिया था, ऐसा क्या हो जाता है सर? वो सवाल हम आपसे करेंगे, ये व्यक्तिगत आपके लिए सवाल ही है, ये सबके लिए, जितने चाहे विपक्षी नेता हो चाहे आप हो, कि जब वही पार्टी विपक्ष में होती है इतना दमखम होता है कि वाकई मजा आ जाता है कि विपक्ष में किस तरह से आवाज़ उठा,
जाते, जो ही सत्ता पक्ष पर विराजमान होती है, बैलून नहीं होता हवा निकलती वैसे क्यों निकल जाती है ये? रश्मि जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लेकर लोगों की दुख तकलीफ सुनती है, चाहे हम लोग सत्ता में थे, चाहे हम लोग सत्ता में हैं या सत्ता में थे या सत्ता में रहेंगे, हम लोग लोगों की दुख तकलीफ के बारे में हमेशा सुनेंगे भी और उस विषय में बात भी करेंगे। यहाँ तक प्रश्न दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। जैसे मैंने कहा, 70 वर्ष तक इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, कभी ये नहीं सोचा कि जम्मू भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। लेकिन आज पहले यही कहा जाता था कि कश्मीरी नेता गलत कर रहे हैं, जम्मू के साथ अधिकार उनका नहीं मिल रहा, बिल्कुल। लेकिन आज आज एक सा बर्ताव जो है जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है। आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, आज तो कश्मीरी नेताओं के हाथ लगाम नहीं है, नहीं है आज भी है। आज युवा बेरोजगार और आगे बेरोजगार युवा हमारा सड़कों पर है, कोई भी उन्हें यानी कि लोग इसी युवा जो हमारे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई व्यवसाय के साधन नहीं है, आम जनता त्राही माम कर रही है। हम ये कहिए, देखिए हम यही तो कह रहे हैं, एक नेता का काम क्या होता है? जनता के बीच में जाना। फिर से भी तो आपने इलेक्शन में खड़े होना है, जितने भी हैं आपके लिए नहीं कह रहे। मैं रश्मि जी अब आगे से यही करूँगा। अब मैं आगे आप लोगों को तंग इसलिए नहीं करता था कि मैं चाहता था कि मैं कार्य करूँ, मीडिया वालों को तंग ना करूं, लेकिन अगली बार तंग नहीं सुने ना, सुने हमने वोट नहीं लेने, हमने क्या तंग होना, मीडिया वाले हमेशा जनता के साथ हैं। सुनते नहीं आप, सुनते नहीं आप, पहले सुन लीजिए ना, अगली बार से मेरे साथ कम से कम आप 5 दिन रहेंगे, थोड़े दो एक दो दिन के बाद मुझे करगिल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओगे? करगिल के चुनाव पे जाना है सर, मीडिया वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते किसी के साथ। मैंने कहा नहीं, 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 फिर आप 5 दिन रहेंगे तो मेरे बाकी जो जनता रहेगा ना 5 दिन में, चलो मैं कहता हूँ 5 दिन आप अलग अलग जनता पर डिपेंड छोड़ दीजिए ना, जनता खुद बुलाएगी हमें कि सत जी ने ये वाला काम किया, सत जी यहाँ पहुँचे, हम उन तक पहुँचेंगे। चलो आगे आगे जब भी कोई बड़े जो काम हम लोग करेंगे उसमें आपको जरूर याद करेंगे। ये नहीं कह रहे, लेकिन ये मान के चलिए आप काम नहीं कर रहे, ये मान के चलिए देश तो कहीं आना सर। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा से वो सोचते हैं, अगर वो 19 घंटे काम करते हैं तो ठीक है, हम लोग 19 घंटे नहीं काम कर सकते, लेकिन पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो 17 घंटे से कम काम करता है। ये ठीक है, दिखावे के लिए कुछ लोग मीडिया को सामने आमंत्रित कर देते हैं कि हम लोग भी दिखे, लेकिन जो पार्टी का मतलब मानते हैं ना, पार्टी में ऐसे लोग भी दिखावे के लिए मीडिया में हर जगह पे होते हैं, वो मेरी पार्टी में नहीं है, दुनिया भर में है। उठा रहे हो सवाल, वो दुनिया भर में है, देख लो वो दुनिया भर में है, लेकिन हम लोग हमारा कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहा है, वो सिर्फ दिखाने के लिए। इलेक्शन का कहीं ना सरगर्मी आपने भी कहा, कहाँ देखते हैं भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी इस बार भी इतिहास बनाएगी। पिछली बार जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर में भी हम लोगों ने अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे, लेकिन यहाँ तक प्रश्न जम्मू का है, भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। मुझे का कसम खा ली सर, मुझे कठुआ की जिम्मेवारी मिली है, हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। नहीं, डेली वेजर ने कसम खाई थी, वीडियो देखी हमने, वो कहते हैं जब तक हमारा मसला नहीं होगा हम नहीं भाई वोट दें, कसम खा ली उन्होंने, प्रण कर लिया है। हर एक को पता है कि जितने कोई मसले हैं, कोई छोटा है जो बड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी हल करेगी, नरेंद्र भाई मोदी जी हल करेंगे, हर नागरिक कब करेंगे आपके ध्यान में आएगा, कब करेंगे चुनावों के, हर एक का हल होगा, परेशान हल होगा, हर एक का हल होगा, जैसे मैंने कहा है इलेक्शन से पहले या बाद में हल हल होगा, चाहे वो इलेक्शन के पहले हल होगा, कब होगा ये नहीं पता सर, चलिए कोई हाल नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक सतपाल जी, जिन्होंने सत शर्मा जी जिन्होंने जिनसे हमने सवाल भी किए कड़वे, कह रहे हर मुद्दे का हल होगा, पर होगा कब ये हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते जनाब, ये सियासत है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, पर हाँ ये जनता पर जनता सर्वोपरि है, अगर जनता वाकई बदलाव चाहती है तो जनाब ये जनता पर निर्भर है। किस तरह के हालात है, जिस तरह से इन्होंने अपना पक्ष रखा, क्या जनता इससे संतुष्ट है? स्मार्ट मीटर का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, टोल प्लाजा का मुद्दा, साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा, क्या ये मुद्दे नहीं आते जनता में? क्या इससे जनता परेशान नहीं है? क्या वाकई जो इन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग हैं, क्या इसमें भी सियासत हो रही है? जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।